नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा की दावेदारियों के बीच हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल की दावेदारी पेश कर दी है। जयराम के इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियां तेज कर दी। तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की भी हिस्सेदारी है। साथ ही कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उनकी सरकार राज्य की हिस्सेदारी के अनुसार अपने हकों पर पहरा देगी, अपने हक हासिल करेगी। चंडीगढ़ पर हिमाचल के सीएम की ओर से दावेदारी की गई है। सीएम जयराम का कहना है कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हिस्सा बनता है उसे हासिल करना मुश्किल है, लेकिन इस दिशा में सरकार पूरे प्रयास करेगी और कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल एक ही भाग था और जब ये अलग हुए तो हिमाचल को चंडीगढ़ में उसका वैधानिक हिस्सा नहीं मिला। देखिए, अभी तब ने अपना जो है वो जो हक जताया है, आगे क्या करना है उस बारे में, देखिए इस मामले को लेकर के पहले से ही बात होती रही है। इसमें कोई लड़ने वाली कोई आंदोलन करेंगे इस तरह का विषय नहीं है। ठीक है, जब ये पहले पंजाब प्रांत एक था, पंजाब तो हम उसका हिस्सा हुआ करते थे, हिमाचल हरियाणा ये सब उसका हिस्सा हुआ, ज्वाइंट पंजाब था एक, तो उसमें जब अलग अलग प्रदेश हो गए तो उस वक्त बातें हुई थी। उस सारी चीज़ों को लेकर के हम वही मांग रहे हैं। अगर मेरे को वो मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी फिगर चाहिए होगी, लेकिन उसके उस वक्त कुछ बातें तय हुई थी, वो बातें अधूरी हैं। उस दृष्टि से अपनी बात को कहते रहते हैं और कहते भी रहे। आगे कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19% हिस्सा बनता है और इसे हासिल करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल के विवाद में अब हिमाचल सरकार भी कूद गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि उनकी सरकार पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से पानी की रॉयल्टी मांगेगी। सीएम ने बताया कि इस बारे में उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात हुई है, हालांकि उनकी पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि पानी को लेकर उनकी सरकार कानूनी रूप से अपना हक मांगेगी। इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है, क्योंकि इन राज्यों को जाने वाला पानी हिमाचल से ही आता है। सीएम ने कहा कि चाहे भाखड़ा बयास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रोजेक्टों पर रॉयल्टी का मामला हो या पानी का, हिमाचल को उसका हक मिलना चाहिए। के मुताबिक शेयर की बात है, मुझे लगता है कि हमारे अच्छे संबंध है सभी प्रदेशों के साथ, लेकिन अपने हिस्से की बात हम दूर कर रहे हैं और कुछ तो प्रगति हुई है। और अभी भी कल ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है चीफ सेक्रेटरी शिमला आए थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है आधिकारिक तौर पर, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ भी हमारी बात हुई है। आज मैं सोच रहा था कि अगर अवसर मिलेगा तो अमरिंदर सिंह जी से भी बात करेंगे, लेकिन अमरिंदर सिंह जी कहीं को निकल गए, लेकिन इसको हम रास्ता निकाल करके हम कोशिश करेंगे इसका रास्ता निकले समाधान। ऐसे में रॉयल्टी के दावे से पंजाब हरियाणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ और एसआईएल पंजाब हरियाणा के बीच पुराना मुद्दा है, दोनों का ही फैसला होना चाहिए। चंडीगढ़ पर हिमाचल का कोई हक नहीं बनता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पानी पर रॉयल्टी कहीं नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जल नीति बननी चाहिए। नहीं देखिए, कोई रॉयल्टी नहीं होती है, हम भी दिल्ली को देते हैं, और ये जो है जो पानी की एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए, और ताकि इस प्रकार के जो बार बार इशू उठते हैं वो इशू ना उठे। बहरहाल संयुक्त पंजाब से अलग होने के बाद कई विवाद रहे जो कभी ना सुलझे, पानी विवाद या चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की बात हो। हरियाणा बनने की आधी सदी में अलग राजधानी और हाईकोर्ट ना होने का सवाल जरूर उठता है, साथ ही एसआईएल पर भी दोनों राज्यों में ठनी हुई है। जल विवाद से कोई भी सरकार पार नहीं पा सकी है, या कहें कि सियासत ने पार पाने ना दिया। ऐसे में जयराम ठाकुर के चंडीगढ़ के दावे पर सियासत को हवा जरूर मिल सकती है। खबर अभी तक के लिए चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह की रिपोर्ट। तो संयुक्त पंजाब से लेकर अब तक जो चंडीगढ़ की स्थिति है, जितनी दावेदारियां हैं चंडीगढ़ पर, जिसमें हरियाणा की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, हालांकि दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। इसी बीच हिमाचल की ओर से, हिमाचल के मुखिया की ओर से जो दावेदारी पेश की गई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, प्रवीण अत्री साहब हैं हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता आप हैं।
केवल ढिंगरा साहब हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस से हैं, साथ ही कश्मीर चंद जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, मेजर तनवारिया साहब हमारे साथ चंडीगढ़ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अनिल आर्य जी हैं हमारे साथ चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, और डॉक्टर नीलम चौधरी हमारे साथ हरियाणा बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे नीलम जी आपसे, हिमाचल में भी आप लोग हैं, हरियाणा में भी आप लोग हैं और केंद्र में भी आप लोग हैं। हिमाचल के मुखिया कहते हैं कि जो चंडीगढ़ में हिस्सेदारी है उसकी अब लड़ाई लड़ी जाएगी जी। ये कल जयराम जी ने, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में ये बात कही थी कि जो उनका 7.19% जो असेट में शेयर बनता है वो उसके लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अगर हम थोड़ा सा याद करें तो 2012 में जो उस वक्त वहाँ के जो सीएम थे प्रोफेसर धूमल, उन्होंने भी यही बात अपनी स्टेट असेंबली में रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके शेयर से रिलेटेड, वो जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं हर साल सितंबर या अक्टूबर में, वो उसमें उसका पूरा का पूरा डिटेल रखेंगे। तो ये बात धूमल जी ने भी उस वक्त कही थी और यही बात जयराम जी ने भी कही है। और जो जो हमारी जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल होती है, इसमें जो स्टेट्स हैं वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और J&K, तो ये सारे के सारे स्टेट्स इसमें आते हैं। तो जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इकट्ठे एक एजेंडा बनाकर उसमें डिस्कशन के लिए रखा जाता है, तो जितने भी इश्यूज होते हैं वहाँ पे रिजोल्व होते हैं। तो अभी जैसे जयराम जी ने भी कहा, तो जो हिमाचल का हक बनता है, जो चाहे वो जुडिशल वे में लें या फिर उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किसी भी तरीके से अपनी वो जो भी उनका शेयर बनता है उसको रखें, तो उस मीटिंग में काउंसिल में या जुडिशियल वे में वो अपनी बात रख सकते हैं और जो उनका शेयर होगा वो इन्हें मिलेगा, जो हरियाणा का है वो हरियाणा को मिलेगा। तो इसलिए उनको भी अपनी बात कहने का हक है और हमें भी अपनी बात कहने का हक है। तो ये जो मसले होते हैं, ये जो जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग में ये एजेंडे पर लाकर उनको इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है और उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। पक्ष एक है जो उनका हिस्सा होगा वो उन्हें मिलना चाहिए, पानी को लेकर भी उनके ओर से कहा गया कि रॉयल्टी उनको दी जाए, हिमाचल को दी जाए जी, क्योंकि जी क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका शेयर है 7.19, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन जो है वो 7.19% बनती थी, तो इसलिए उनका शेयर बनता है और ये प्रोजेक्ट्स जो है वो वहीं पे लगे हुए हैं। और ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी कहा गया है कि इतना उनका शेयर बनता है और उसके जो करीबन 2200 करोड़ रुपए जो उनका जिस दिन से ये एक्ट बना था उसका शेयर उनका बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा गया है और वो शेयर जो है वो हरियाणा और पंजाब को दिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को नहीं लगता कि उनका शेयर बनता है, उनके ओर से इनकार किया गया कि जल नीति ही बना दी जाए पूरे ही देश के राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह से शेयर नहीं दिया जाएगा, हिमाचल को इस तरह से रॉयल्टी नहीं दी जाएगी, बताइए। जी देखिए, राष्ट्रीय जल नीति तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो है इसमें ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी है इस केस में भी, तो जो भी हिमाचल प्रदेश का पक्ष होगा वो नेशनल जोनल काउंसिल में वो अपना पक्ष रखेंगे। तो उस वक्त जो भी डिसीजन, क्योंकि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है ना, तो उसमें हमारी होम मिनिस्ट्री, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की कंसेंट से कोई भी चेंज होगा। कभी भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अगर हमें चेंज करना है, कोई भी एक नहीं कर सकता, सबकी मिल बैठ के ही बात करेंगे। कितनी विडंबना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, आज वो यहाँ पे आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हिमाचल को उसका हक मिलेगा चंडीगढ़ में, जो उसका शेयर एक है, तरफ तो ठाकुर जयराम जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी इसके की सरकार है हिमाचल में, वो बिना तथ्यों के आधार रहित एक वक्तव्य देते हैं और दावा करते हैं कि हिमाचल का चंडीगढ़ में शेयर है। अगर इतिहास में आप जाएं, अगर आप देखें कि 1966 आप पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1966 में आया था जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, जेसी वर्मा उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था। कमीशन बनाया इसलिए गया था कि हरियाणा की बाउंड्रीज डिसाइड हो, और उसमें बाकायदा चंडीगढ़ खरड़ तहसील हरियाणा को दी गई थी, चंडीगढ़ पे हरियाणा का हक है, ये बात उस कमीशन ने उस वक्त सुनिश्चित कर दी थी। लेकिन हिमाचल का हक है ऐसा ना तो कोई जिक्र हुआ, ना ही उस वक्त कोई बात हुई पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, तो आज ये दावा कहां से, पहली बात उसी एक्ट का हवाला दिया गया। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, 7.19 के जी पॉपुलेशन थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, आरएसएस थी, जनसंघ था, ये लोग बंटवारे के खिलाफ थे। आज क्योंकि नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषी क्षेत्र एक अलग राज्य का रूप ले, नहीं चाहते थे कि हरियाणा बने, आज फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सीएम हिमाचल के जरिए,
अपनी प्रवक्ता नीलम चौधरी जी के जरिए दोबारा से इस इशू को कॉम्प्लिकेट करना चाहती है, उलझाना चाहती है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये 27 सितंबर 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि नदियां जो है वो स्टेट एसेट नहीं है, बिल्कुल। तो फिर किस बात की रॉयल्टी मांगी जा रही है, फिर क्यों रॉयल्टी मांग रहे हैं पानी? देखिए हिमाचल प्रदेश और दूसरी बात बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, एसवाईएल जिस जो बाकायदा हमें हरियाणा को उसके हक का पानी देने की बात हुई थी, वो हमें मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, हरियाणा को उसका हक ना मिले ये कोशिश हो रही है भारत की तरफ से? जो प्रदेश का हक मिलेगा एसवाईएल में भी मिलेगा और चंडीगढ़ में भी मिलेगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी आपने खुद बोला नहीं, मैंने कहा हरियाणा को जितना हक है वो मिलेगा। अगर हिमाचल है हरियाणा को उसका हक ना मिले, और ये बात हरियाणा को उसका पूरा हक मिलेगा जी? नहीं जी, लगातार हरियाणा के साथ दुगला व्यवहार, हरियाणा को मिलेगा और एसवाईएल का भी जो हमारा पूरा शेयर बनता है वो भी हमें मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपना रवैया दिखाया है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है, नहीं चाहते कि हरियाणा स्टेट मैटर है जी। आज प्रदेश की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा आ गया, ये सबने देख लिया। हिमाचल के सीएम के इस दावे को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर, ज्योति जी सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मेरे बहुत अजीज दोस्त अत्रे जी को बताना चाहता हूं कि हमें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को ज्ञान नहीं है हिस्ट्री का। भाई साहब आपको पैदा भी नहीं हुए, अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकिन जो भी मेरी डिमांड है वो मैं एक संवैधानिक तरीके से बात करूंगा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह से कमीशन चलाने के लिए आप कैसे हिमाचल को दे सकते हो? तो आप किस तरह से चंडीगढ़ से हटाने का खत्म कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? किसने हक खत्म करने की बात की? हमने कहा है कि आप बोलना चाहते हैं, आपकी ही पार्टी से, सुनिए एक बार के लिए, आपकी ही पार्टी से आपको जैसा की बोल रहे हैं, सुनिए एक बार के लिए, आपके पास आएंगे जी। सरदार साहब बोलिए। वही मैं कहना चाह रहा था, कितनी शालीनता से ठाकुर साहब ने कहा कि ये हमारा स्टेक है 7.19 एंड so many thousand rupees, ये उनके आउट ऑफ द कफ नहीं आया। मैं अत्रे जी को बताना फिर वही कहना चाहूंगा कि ये तो उस वक्त सीन पे थे ही नहीं, और मुझे बोलने दीजिए इसको, और कितने शालीनता से कि उन्होंने सिद्धांतिक तरीके से शांतिपूर्वक, और कोई पॉलिटिकल पार्टी होती मैं नाम नहीं लेता अभी तक तो वो आग लगाने की बात करते, मारधाड़ की बात करते, तो ये सब करते हुए जो चंडीगढ़ है उसका जो डिविजन हुआ है पानी का, यस नेशनल पॉलिसी आएगी पार्टी तो का, कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो कहते हैं फिर वो गलत है, उस बात का खंडन कर दीजिए। अनिल विज ने कहा है कि सिर्फ नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, कोई रॉयल्टी नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए, उन्होंने ये कहा है, नहीं दी जाएगी और नहीं दी जानी चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात भी सुननी चाहिए। मैंने कहा सोचे, ये बिना सोचे बोल दिया, नहीं बिना सोचे समझे नहीं, उनके पास आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है फिर जी? देखिए मैं, हिमाचल प्रदेश ने जो अपना पक्ष रखा है उससे राइट है, ये जरूरी नहीं कि अगर वहां कोई और सरकार होती वो भी अपना पक्ष रख सकते थे, ये नहीं कि वो भाजपा की है, तो जो भी हिमाचल उन्होंने रखा नहीं वो उनकी अलग साहब आएंगे आपके पास, उससे पहले केवल ढींगरा जी को भी चर्चा में जोड़ लो। ये भी नेशनल जनरल काउंसिल में ये मीटिंग में डिसाइड होगा, कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, हम पूरे प्रयास करेंगे। ये बात तो मैंने कहा ना। देखिए मैं आपको सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है ये पहले ऑलरेडी 60-40 में हरियाणा का शेयर और पंजाब का शेयर ऑलरेडी हो चुका है, ये बेवजह मुद्दा नए बना के नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में जो एक नए आयाम लागू कर रही है वही अब हरियाणा पंजाब हिमाचल में शुरू हो गई। आप ये देखिए सारे देश में मुद्दे भड़काए जा रहे हैं, मुद्दों को बनाया जा रहा है, मुद्दों को बहलाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। क्योंकि आपको यह बात बताऊं, जिस समय ये सत्ता के बाहर होते हैं तो ये लोग कई जुमले निकालते हैं, कई लोगों की बात करते हैं, आपको भी मालूम होगा अलग अलग तरीकों से अलग अलग बातें करते थे,
अब जब सरकार में है तो अब ये कई मुद्दे छेड़ेंगे कि सरकार के सभी सरकारों का ध्यान बटे, लोगों का ध्यान बट जाए और इस मुद्दों पे आके बात टिके कि इसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए, उसका हिस्सा इसको मिलना चाहिए, विकास की कोई बात ना करे, काम की कोई बात ना करे, सिस्टम की कोई बात ना करे। अब हिमाचल जो है वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, सिस्टम नहीं चल रहे, तो मुद्दा भटका दो और उसमें दूसरी तरफ लेके आ जाओ। पंजाब में भी यही हो रहा है, पंजाब में ये लोग उंगली लगा के तमाशा देखने की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर तीन बार जल गया हरियाणा का, नुकसान कर दिया इन लोगों ने। पंजाब में लोग हैं, विपक्ष है, वहां भी बीजेपी इसी भूमिका में, फिर जहां सरकार देखिए वहां पे भी उंगली लगा रहे हैं और हरियाणा के अंदर तीन बार मामला उछाल के कितने लोग 100 लोग गोली का शिकार हो चुके हैं। दो चीजें हैं, मुद्दा भड़काने का काम करती है सरकार ज्योति। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने जो ये वक्तव्य दिया ना, मुझे इससे कोई आश्चर्य हुआ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये लोग तो हरियाणा की फॉर्मेशन के खिलाफ थे। तो ऐसे लोग तो ये उम्मीद, ऐसे लोगों से उम्मीद हो सकती है कि वो हरियाणा के हक छोड़ दें, लेकिन हम हरियाणा का हक नहीं छोड़ेंगे। जेसी वर्मा कमीशन ने बाकायदा हरियाणा को दिया है चंडीगढ़, और इसलिए हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा का है और ये हरियाणा का ही रहेगा। इस गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी कदापि ना रहे कि वो अपने मत, अपने अपने फायदे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए हरियाणा को हिमाचल को दे दे या पंजाब को दे दे, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आप जितने आराम से, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री दोनों के बयान अलग, लेकिन चंडीगढ़ के प्रवक्ता और हरियाणा के प्रवक्ता इस बात में सहमत है कि चंडीगढ़ को हिमाचल को भी दे दो। हैरानी इस बात की, कितने आसान से आपने अपना क्यों चाहते हो आप हरियाणा की, किस लिए तकलीफ है मुझे समझ भी नहीं आती। चंडीगढ़ पर ज्योति जी देखिए, ये बहुत पुराना विवाद है। मैं आपको बड़े संक्षेप में बताऊंगा, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारा जो पंजाब था वो गुड़गांव से लेकर रावलपिंडी तक था, गुजरात कस्बे तक था जो आज पाकिस्तान में है। उसमें से तीन कमिश्नरियां, पांच कमिश्नरियां थी, टोटल तीन पाकिस्तान में रह गई थी, दो हमारे पास आई है, एक ये हिसार ऐसे जालंधर और गुड़गांव, और उसमें से भी फिर इन्होंने पार्टीशन कर दिया। वो भाषाई आधार पर हुआ था, हीरेन मुखर्जी की एक कमेटी बनी थी, जब से जो और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह, ये छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी बनी तो उन्होंने छोटे राज्यों का पक्ष रखा कि हम जल्दी डेवलपमेंट होगी, लोगों तक जल्दी से पहुँचा जा सकेगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी हीरेन मुखर्जी, और उन्होंने कहा कि भाई छोटे राज्य बन सकते हैं और वो भाषाई आधार पर बनेंगे। हरियाणा के लिए जो भाषाई आधार पर बना वो शाह कमेटी की रिपोर्ट से बनाया, जिसमें चंडीगढ़ भी जो है हिंदी प्रांत में आता था और जो ये दो खड़ तहसील भी ये हरियाणा में आती थी, ये सारा एरिया हरियाणा का था। और उसमें उस टाइम जो है 66 में हिमाचल को एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, सेमी उसको बना दिया गया था, पंजाब को अलग स्टेट बना दिया गया था। तो ये विवाद जो है ये केवल चंडीगढ़ का नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल पीछे क्यों है। हिमाचल पीछे इसलिए है कि उनके पास जो है मास्टर तारा सिंह जैसे, संत फतेह सिंह जैसे, दर्शन सिंह फेरूमान जैसे और उदय सिंह मान जैसे नेता नहीं है कि जो हनसन पर बैठ सके, इस मामले को नेशनलाइज कर सके। और पंजाब ने जो पंजाबी सूबे की मांग 1947 में की थी, उसका बहुत ज्यादा कीमत वसूल की है पंजाब ने। पंजाब की ने तो क्या किया है कि कोई ऐसा पद ही नहीं है सेंटर में जो पंजाब के पास नहीं रहा हो, और उनकी प्रेजेंस रही है वहां पे, इसलिए पंजाब के पास सबसे ज्यादा अधिकार आज इसमें है, चंडीगढ़ में है। हिमाचल के जो लोग हैं वो न तो अपना अधिकार रख पाए और ना ही कभी उन्होंने दावा किया। ये पहली बार उन्होंने कहा कि हम यहाँ आएंगे, क्योंकि हिमाचल के लोग अब पहली बार यहाँ आना शुरू हुए हैं इस स्टेट में, वो अपने स्टेट तक ही सीमित रहते थे, जैसे उनके बच्चे बाहर पढ़ने लगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि 2001 से पहले, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत अच्छे रिलेशन थे, एक से पहले तो यहाँ प्रॉपर जो है पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन था सारा का सारा। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नौकरियों के मामले में एक पद जो है वो पंजाब के पास है, एक हरियाणा के पास है, उसमें हिमाचल की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि उनकी डिमांड जो है कुछ हद तक जायज भी है हिमाचल की, क्योंकि हमारा ही पार्ट था वो, और मैं तो अंबाला के जो विधानसभा क्षेत्र का पार्ट रहा है शिमला, तो एक ही इलाका है और उनकी कुछ हद तक जायज है डिमांड, लेकिन उसके बारे में संसाधनों में ऑलरेडी यहां पर इतने आंदोलन हो चुके हैं, इतने झगड़े हो चुके हैं, उसमें उनकी स्पेस ही नहीं बचती। मैं तो कहूंगा अगर इन्होंने ये मांग उठानी थी तो इलेक्शन के टाइम में क्या उन्होंने इसको मुद्दा बनाया था, क्या ये डिमांड रखी थी? आज ये बेतुकी मांग जिसके ऊपर नया विवाद पैदा कर रहे हैं हिमाचल
प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। ये मांग बहुत सही है या बेतुकी है जो अनिल आरे जी ने कहा? जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है उसमें 7.1.9 मांगता है हिमाचल प्रदेश से। तो जब हिमाचल पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति ये डिस्ट्रिक्ट थे, अम्बाड़ा के नालागढ़ थी, और जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट था उसमें से ऊना का कुछ भाग जो था वो हिमाचल को गया, ये पहाड़ी प्रदेश करके गए हैं। जब अब ये कांगड़ा जो चला गया तो कांगड़ा इसमें जितनी भी एमएलए हैं वो आधे से ज़्यादा इस नए हिमाचल के पहाड़ी प्रदेश के हैं जो पंजाब से उधर गया है। तो चंडीगढ़ में जो एम्प्लाइज था उनको भी ऑप्शन दी गई थी कि आप हिमाचल में जाना चाहते हैं जो हिमाचल के या चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन थी। उसके साथ 7.1.9 का हिस्सा था हिमाचल का, पर वो किस रूप में दिया जाए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जमीन दी जाए या उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, ये किस रूप में किया जाए ये तो प्रश्न अब भी खड़ा हुआ है। जहां तक पानी का सवाल है या बिजली का सवाल है, हिमाचल से भाखड़ा बांध जो बना है तो उसमें से लोग वहां विस्थापित हुए हैं, बिलासपुर से और दूसरे से वहां से गोविंद सागर जब भाखड़ा बना तो उसमें गांव डूबे हैं, तो उन लोगों को जमीन ऐसी जगह राजस्थान दी गई, कहीं पौंग डैम बना वहां से उठे लोग उनको भी जमीन ऐसी जगह दे गई जहां वो बस नहीं सके, चाहे राजस्थान है चाहे बंजर जमीन दी गई और वो बस लौट गए। तो इसमें अभी भी शाह नहर का मुद्दा, पौंग डैम स्थापना चलता रहा, पर उनके साथ नया नहीं हो क्योंकि वो शांत प्रिय लोग हैं, वो अपना मुद्दा उठा ही नहीं सकते पूरे जोर शोर से। तो इसका लाभ जो हरियाणा और पंजाब उठाते हैं, पंजाब जो पानी रोकता है हरियाणा का, हरियाणा दिल्ली का पानी रोकता है, परंतु हिमाचल ने कभी नहीं कहा कि हम इसका पानी रोकेंगे। इसलिए हिमाचल को जो है मुख्यमंत्री जी ने बड़े प्यार से कहा था कि हम बैठ के मसला सुलझाएंगे, परंतु उनको ये बताना चाहिए कि हम हिस्सा जो है वो किस रूप में लेंगे। तो जो उनकी डिमांड है इन्हें बैठकर आपसी प्यार से सुलझा लेना चाहिए तो ये बढ़िया होगा, ना कि आंदोलन का रूप इनका धारणा करें, क्योंकि चंडीगढ़ में हिमाचल की बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ कई संस्थाएं हिमाचल यू परिषद है, कांग्रेस सभा है, ऐसी कई सभाएं उठाती रही हैं मुद्दा, और हर सीएम ने प्रेम कुमार धूमल ने भी उठाया, पर उठाते किस तरह, जब आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इतनी लिमिटेड रखते हैं, कोई आंदोलन नहीं कोई बात नहीं। बिल्कुल ये सवाल है कि क्या खानापूर्ति की जाती है, जिस तरह से कहा गया कि यहाँ आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, चुनाव से पहले बातें नहीं की जाती उतनी मजबूती के साथ, बात या मांग नहीं उठाई जाती जितनी गुंजाइश है। आएंगे नीलारे जी, अभी सनवारे साहब जी। मैडम अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि, और मेरी बहन नीलम जी ने भी बताया कि हरेक विवाद का सॉल्यूशन बैठ के करना होता है, उसका एक पैरामीटर बनाया है वो जो नीलम जी ने भी पूरा बताया। हम उन पार्टियों में से नहीं है, अभी मेरे साथी ने कहा कि इलेक्शन से पहले क्यों नहीं पूछा रहे तुम लोग, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब ये जो मुद्दा, अब जैसे उनके पास एजिटेशन करने का ना तो सोच विचार है ना कोई आगजनी करने का सोच विचार है जो यूजुअली पॉलिटिकल तरीके से होता है। अब मुद्दा ये उठता है उन्होंने कोई जमीन नहीं मांगी और चंडीगढ़ में जमीन बट भी नहीं सकती, आप ये सोचें कि 60% पंजाब कर देंगे उधर कर देंगे, ये चीजें तो एक बहुत तुच्छ मानसिकता की बातें हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को नौकरी में हिस्सा, यहाँ 60-40% का 40 हरियाणा है 60 पंजाब है, तो उसमें से भी उनके भी आए, उनके आते हैं छोटे ऑफिसर हरियाणा चंडीगढ़ में आते हैं, पीजीआई में आते हैं, कहीं कहीं आते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा वो नहीं है। हमारे धूमल साहब ने ये कहते हैं कि आज बेतुका सवाल उठा दिया, अरे आज तो उठाने का हमें कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होता। बीजेपी का यही स्टैंड है कि हिमाचल को उसका हिस्सा मिल जाए। बात पता है क्या ज्योति, देखो जो इलेक्शन का जो जिक्र अनिल जी ने किया, जहां तक मैं समझता हूँ उसका जिक्र करने का कारण ये रहा होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप वायदे कुछ और करते हो, लेकिन जब आप वोट ले लेते हो सत्ता में आ जाते हो तो उन बातों को भूल जाते हो जिनसे आपने वोट मांगा और नया ऐसा इश्यू लेके आ जाते हो कि चीजें कॉम्प्लिकेट कर देते हो, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, नीलम जी सुनिए, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जैसे बात हुआ था कि यूटी था पहले, जैसे धानी बोलते थे उस वक्त, दिल्ली हिमाचल अंडमान निकोबार जो आईलैंड है ये एक यूटी, मतलब उस टाइम का यूनियन टेरिटरी होती थी उसको धानी बोला जाता था। अब हो क्या रहा है कि 1968 में हिमाचल जो है एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन 2010 तक इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होती,
अचानक 2010 में धूमल जी की नींद खुलती है, क्यों? क्योंकि एक राजनीति। आज उसके फिर एकदम से करीबन 8 साल के बाद अचानक जो है सीएम साहब आते हैं और वो कहते हैं कि चंडीगढ़ पे हमारा हक है। तो क्यों ना हम कहें कि आप केवल राजनीतिक रूप से मामलों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नीलम जी यहाँ पे बैठ के ये बात कहती कि हरियाणा के हिस्से का SYL का पानी हरियाणा को दिलवाना चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बावजूद आप नहर का निर्माण नहीं करवा रहे, बार बार आप झूठे तर्क गढ़ के उस मामले को उलझाना चाहते हो। उन मुद्दों में बात नहीं है, हरियाणा के हक की बात नहीं है, हरियाणा के हक कुर्बान करने की बात दोनों बीजेपी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा है, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। हरियाणा का हक है, ये वाहन सोच ने हमें दिया हुआ है, चंडीगढ़ हमारा है। और किस तरह से प्रदेश के किसान जो है प्रदेश की सबसे बड़ी सुनने की आप चिल्ला रहे हो, दूसरे थोड़ा सा आपने आयु की मर्यादा का ये एंकर से पूछिए ना, आप बीच में क्यों चल रहे हो? भाई परेशान में तो सुनवाई जी उड़ा रहे हो, पड़ जाएगा आप 50 साल के बाद उनसे हाथ मिला रहे हो, पीना पड़ रहा है सुनवाई जी, थोड़ा आराम से केवल हरियाणा का ख्याल हिमाचल में इससे पहले सरकार भी रखे, साथ ही हरियाणा में भी इससे पहले आप सरकार में थे, आप लोगों का क्या पक्ष है? क्या हिमाचल का हिस्सा अगर है उसे दे दिया जाए? देखिए बात सिर्फ ये है कि हिस्से की बात मांग रखना ये बात नहीं है, ये मुद्दे को हिलाना मांग है। ये मुद्दे को बीजेपी अभी हिला रही है, इसको घुमा रही है। पहले कोई ऐसा मुद्दा उठा नहीं, कोई मुद्दे पे इस तरह से बात नहीं हुई। मैं भी पॉलिटिकल लाइन में कितने सालों से हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था क्या? आप ये बताएं कि इनके अगर मैनिफेस्टो के हिमाचल में भी हो तो ये बात उठाएं और इनकी बात वाजिब बनती है। और अगर इन्होंने ये मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं था तो किस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है और ये कहानी क्यों बनाई जा रही है? ये शरारतपूर्ण तरीके से कहानी बन रही है, जो कि शरारतपूर्ण तरीका हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे प्रदेशों में है, पूरे देश में है। हर एक जगह पे जातिवादी दंगों के बीच में, हर एक जातिवादियों के बात के बीच में बीजेपी का साथ पीछे से जरूर मिलेगा। आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, अगर आप रेप के विक्टिम से लेके और ये सारे मिसले देख दे, MLA तक जो है शामिल है इस मामले में, और जब ये फंसते हैं तो इस तरह की बात करते हैं ये लोग बीजेपी वाले शरारतपूर्ण मुद्दे से ये बात करते हैं अपनी बात से प्रवर्त करने का काम करते हैं। जिस तरीके से हिमाचल के जयराम जी ने रखा है तो बताएं मेरे को, आप बीजेपी के दो प्रवक्ता बैठे हो यहाँ पे, मुझे बताएं, हम दो स्टेट से आए हैं, दो स्टेट से आए तो बताएं आपको बीजेपी के, तो सिर्फ आप ये बताएं कि मेरे रास्तों में बात करने के सिवाय कानूनी तरीके से ही अपना हिस्सा लिया जाएगा, इसके मायने कैसे समझे जाएं? फिलहाल जो बयान आया कि 2010 में बात की जाती है, उसके बाद अब जो फिलहाल सीएम है वो बोलते हैं। ज्योति जी, ये जो मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट है मैंने उसको खूब अच्छे से सुना है, ये प्योर जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसमें कोई डिमांड नहीं की गई है, कोई ऐसी बात ही नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज के ये चाहिए, पार्टिसिपेशन यहां चाहिए, सिर्फ एक मांग की गई है, एक राजनीतिक सोसा जिसको कहते वो छोड़ दिया गया है, एक मुद्दा बना दिया गया है कि हिमाचल हिमाचल का भी हक यहां पर है कि एक लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो जाए। और इस बारे में हरियाणा को जला चुके हैं, चंडीगढ़ को भी जला दो, ये कोशिश होगी। 66 से लेके 71 तक बहुत सारे आंदोलन यहाँ लड़ी हो चुके हैं, लोगों ने यहाँ आत्मदाह करे और जो है ना आदमियों ने 43 दिन तक हमारे जो मान साहब ने वहां अनशन किया था, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आई थी कि इसका चंडीगढ़ के बारे में कोई डिसीजन नहीं होगा और हमारे हरियाणा के हकों का पूरा वो रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। इस मुद्दे को जिस
भी मुद्दे की राजनीतिकरण हो जाता है तो उसका समाधान कभी नहीं होता। आपने भी गर्दन हिलाकर इस बात पर सहमति दी है कि राजनीति की जा रही है। आप मेरी गर्दन ऐसे हिलाने पे अगर जाने लगी तो आपको तो एक साधुवाद देना था। कमाल की बात है कि देखिए किस तरह से हिस्सा चाहिए वो पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जाता। शगुफा छोड़ दिया गया, ठंडे बस्ते में बहुत मजबूत कोई मंशा नहीं फिर हिमाचल की। ज्योति एक मिनट आप तय कीजिए जवाब। जी जी एक्चुअली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीएम साहब हैं जयराम जी उन्होंने बात नहीं रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया था इस बारे में तो इसलिए उन्होंने अपनी बात रख दी थी। और हिमाचल प्रदेश अपनी बात रख सकता है, उसमें क्या है, हर एक प्रदेश रख सकता है। सवाल पूछा गया था तो बात रख दी गई, इसका मतलब इसको कम गंभीरता से लिया जाए। नहीं गंभीर गंभीर तो है, हिमाचल की प्रवक्ता लग रही है। हरियाणा का हिस्सा हरियाणा का है। मैं ये कह रही हूँ चंडीगढ़ पे दावेदारी को लेकर बोले हैं। हरियाणा की दावेदारी हरियाणा की है, वो उन्हें मिलेगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इंटर स्टेट मैटर्स होते हैं वो एक सुनिए मैडम सुनिए, उसमें से फिर हिमाचल वाले को कम करके चले। क्यों हरियाणा से क्यों करेंगे? तो कहां से करेंगे? चंडीगढ़ के ऊपर लागू है ज्योति जी 60-40 ऐसा ऑफिसर्स बात या जमीन की बंटवारे की नहीं हो रही है। अब मैं सुन तो लो भाई, फॉरेस्टेशन अरे 20 स्टेट से निकल गए, वो एक बाकी है उससे भी निकलने वाले एक बात को उसमें से अगर ये समझौता होता है कुछ पंजाब, उसने खाली हरियाणा से नहीं मांगा, उसने पंजाब का कितना होगा वो बताएगा। जो आप नॉर्दर्न रीजन की जब ये मुद्दा लेकिन मैं दाद देना चाह रहा हूँ माननीय ठाकुर साहब को कि उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह ये नहीं कि हम आग लगा देंगे। बीजेपी आपकी सरकार ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की रिकॉर्ड बनाए हैं, एक घंटे में 50 लोगों को गोली से उड़ाया, देश के इतिहास का रिकॉर्ड है ये। आपने तो ऐसे रिकॉर्ड बना दिया हरियाणा में, आप तो तैयारी कर रहे हो जलाने की। बेबुनियादी बातें ना करें तो ही बेहतर होगा। आप 3 बार इस बात को दोहरा चुके हैं, एक्शन लेते या जांच करवा लेते। अब उसको चंडीगढ़ के लोगों से तो पूछना है किसके साथ जाना चाहते हैं। क्या हिमाचल ऐसी स्थिति में है कहा जाए मजबूती से कि हिस्सा चाहिए तो चाहिए? चंडीगढ़ के बंटवारे की इससे पहले भी बात हो चुकी है, अबोर फाजिल का और चंडीगढ़ के बारे में ये बात हुई थी कि अबोर फाजिल का जो है वो हरियाणा को दे दिए जाए, चंडीगढ़ पंजाब को रहने दिया जाए। इसके पहले एक बार बंटवारे की लाइन तक खींच गई थी जो रेलवे स्टेशन तक रुका था भी, रेलवे स्टेशन जो है वो हरियाणा को जाएगा और ये इधर का हिस्सा चंडीगढ़ जाए। फाइलें तक तैयार हो गई थी 25 जनवरी को और 26 जनवरी को डिसीजन होना था। हमारी हमें पता है एडवर्टाइजमेंट्स की पेमेंट्स वगैरह जो थी एडवांस में कर दी गई, परंतु लास्ट मोमेंट में ये डिसीजन बना। जब जब चंडीगढ़ का आप सवाल उठाओगे तो हिमाचल उसमें जरूर कूदेगा। वो कहेगा अगर आप बांट रहे हैं इसको तो हमें भी कुछ दे दो, चाहे वो मोरनी के एरिया को मांगे, पहले भी मांग उठती रही, अगर चंडीगढ़ का बंटवारा होता है तो हमें चंडीगढ़ में ऐसे कुछ नहीं देते हैं, तो जो पहाड़ी प्रदेश हैं अभी भी हरियाणा में वो हमें दे दो। तो इसलिए अगर आप शांति से ना बैठोगे तो हिमाचल उसका लड़ाई का हर समय लाभ उठाया जाता है। अभी अभी देखिए मलकानिया जी ने अभी एक और अजीब सी बात जो कही है, मुझे अजीब इसलिए लग रही है कि 2010 से पहले कहां थी हिमाचल, कहां थी ये डिमांड, अब ये अचानक डिमांड क्यों आ गई है?
एक और चीज, अभी दो बात यहाँ पे हो रही थी कि बीजेपी के अलग अलग स्टेट के प्रवक्ता, मुझे याद आ गई, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे साथ एक डिबेट में थे और मैंने खुद ये बात कही थी, डॉक्टर साहब आपको हरियाणा की राजनीति का ज्ञान नहीं है क्योंकि आप हरियाणा से नहीं है। उस वक्त डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं बीजेपी का हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, डॉक्टर साहब याद कीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आपने उस वक्त ये बात बोली थी, मैंने कहा था कि आपको हरियाणा का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप भारतीय जनता का, आप लोगों का चरित्र है, आप चाहते हैं आप लोग देश जलता रहे, आप चाहते हैं। कोई रॉयल्टी नहीं होती है, हम भी दिल्ली को देते हैं। और ये जो है, जो पानी की एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए, और ताकि इस प्रकार के जो बार बार इशू उठते हैं वो इशू ना उठे। नीलम जी बताइए, अभी आपने कहा कि शेयर दे दिया जाए, बिजली का हो, पानी का हो, कोई भी शेयर को दे दिया जाए। मैंने आपको एक बात कही है कि हमारा जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट अगर होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की सहमति से जो है। जी इतना बताइए, बहुत बार नहीं आपको ही सुनेंगे, आपको ही जवाब देंगे। मंत्री जी को फिर जानकारी नहीं, क्या पैनल पर कुछ बोलते हैं मंत्री जी, कुछ और बयान देते हैं, क्या उनको जानकारी नहीं, बीजेपी साथ नहीं खड़ी इस बयान में उनके, बता दीजिए। हरियाणा बीजेपी मंत्री जी के बयान में साथ खड़ी है या फिर नहीं खड़ी है, बताइए। देखिए, वो वाटर पॉलिसी की बात कर रहे थे, वो सही है, लेकिन जो मैं बात करूं, प्लीज पहले उसे समझ ले कि जो भी डिसीजन होगा, जब भी उसमें इन तीनों स्टेट्स का एक जो डिसीजन है उनके सहमति होनी चाहिए, और ये डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लेगी। और ये नेशनल काउंसिल अरे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 31 मई 1966 को जो पास हुआ था, उस वक्त भी पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें हिमाचल का लेना देना है, और आप आगे उसमें अमेंडमेंट कैसे, हिमाचल की मंजूरी किसने चाहिए, उसमें कुछ ये हिमाचल की मंजूरी उसमें, आपको शायद यही नहीं पता कि वो बिल पास किसने करना है, आपको पता है बिल पास, बिल कौन पास करेगा, या बिल केंद्र सरकार का काम है वो, उसमें हिमाचल का लेना देना। एक मिनट, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, आज आज कोर्ट ने, एक मिनट नीलम जी सुने एक मिनट, आज कोर्ट ने दोनों चीफ सेक्रेटरियों को एक चिट्ठी लिखी है एसवाईएल के मामले में, वो पंजाब और हरियाणा दोनों चीफ सेक्रेटरियों को चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने एक गुस्सा प्रकट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में क्यों नहीं फैसला हो रहा, और दोनों चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए हैं, उसमें हिमाचल है कि सारी लेके आते हैं। देखिए, दिल्ली हरियाणा का जो जल विवाद है उसको लेकर सीएस जो है बुलाए गए हैं, जवाब उनसे मांगी गई है। ज्योति जी, पानी की समस्या वो एक बिल्कुल अलग है, उसमें पंजाब और हरियाणा का ही मामला है, और जैसा कि सनवारिया साहब कह रहे थे ना कि वो पानी नहीं रोकता हिमाचल कभी भी, वो रोक ही नहीं सकते वहां पे, उनके पास वाउल ही नहीं है, पानी के लिए तो कटोरा चाहिए जिसमें वो उनको रख सके पानी को, वो अगर डैम के ऊपर से आ जाएगा डैम को बंद कर देंगे तो पानी की जो बात, जहां तक बात है वो भी राजनीतिकरण हो रहा है उसके ऊपर, जैसे नहर हटनी थी। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब पानी एक्स्ट्रा होता है बारिश के दिनों में, जब पंजाब की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो पानी बह के पाकिस्तान में जाता है, बेहतर है उस टाइम हरियाणा में, हिमाचल या राजस्थान में जिस टाइम जरूरत हो उस टाइम वहां पर जाए, इसमें पंजाब को जो है बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन आज चर्चा चंडीगढ़ पर हो रही है, चंडीगढ़ के बारे में मैं एक स्पष्ट बात आपको बता देता हूं कि चंडीगढ़ जो भाषीय आधार पर हमारा बंटवारा हुआ सारे स्टेटों का, भाषीय आधार में चंडीगढ़ जो है हिंदी भाषी प्रदेश जो है काउंट किया गया शाह कमेटी के द्वारा, और उस हिंदी भाषी जो थे वो हरियाणा के प्रदेश में थे, न तो हिमाचल का उस समय दावा था और न ही अब दावा है। ये तो अभी 2010 में उन्होंने कहा है कि भाई हमारा भी दावा बनता है, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट न तो यहाँ पर बनती है, दावा नहीं था, कभी भी दावा नहीं रहा है, नहीं वो कभी आंदोलन में रही है। अगर दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, 5-5, 6-6 लोग गोलियों से मारे गए हैं यहाँ पर पंजाब में भी और हरियाणा में भी, ये अकाल तख्त के ऊपर उन्होंने संत तारा सिंह ने आग थी अंदर के, भाई मैं आग लगाऊंगा, आत्मदाह करूंगा, हम अनशन पर बैठे फेरुमान यहाँ पर, और हरियाणा में जो है मानसा रोहतक में बैठे हैं, चौरी बंसीलाल जी ने बिठवाया था उनके लिए कि भाई दबाव उनके ऊपर। लेकिन ये है, ये कभी भी चंडीगढ़ के विवाद में हिमाचल नहीं रहा है, ये पहली बार मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो सुना हूं पहले 2010 में कोई डिमांड रही होगी, मुझे पता भी नहीं था। लेंगे अब एकदम से कैसे याद आया 2010 की भी, हालांकि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, बहुत शुरुआत में ये बातें नहीं थी कश्मीर जी।
शुरू में 7.1.9 का हिस्सा रखा है उसमें, परंतु इसमें बंटवारा कैसे होगा चंडीगढ़ का? चंडीगढ़ में जब एक बांट दिया गया चंडीगढ़ दोनों लोगों से तो कभी पूछा नहीं आज तक कैपिटल हो गए, हिमाचल की कैपिटल शिमला है, तो उनको चंडीगढ़ में इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना है भाई हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ अकोमोडेट कर लिया जाए, या पीजीआई में मरीज आते हैं उनको अकोमोडेट, या यहाँ को हिमाचल बबल भी बड़ी मुश्किल से बना है यहाँ, तो हिमाचल में इतना इंटरेस्ट, चंडीगढ़ में हिमाचल का इंटरेस्ट है नहीं, उसका सब कुछ है, परंतु वो जो है जब लड़ाई होती है तो जो जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कहता चलो मेरा भी हिस्सा बन जाए, वो हिसाब है, अदरवाइज नहीं। हिमाचल जो है बिल्ली लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कुछ नहीं आ रहा है, झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं है, कोई डिबेट कोई बात कही है, ये बीजेपी बताए एक बात, बीजेपी बताए कि ये क्या लड़ाई करवाना चाहते हैं, बीजेपी की लड़ाई है बंदरों की लड़ाई, और कौन सा फायदा लेने के लिए मुझे पहले ये बताए किसने रखा वो शेयर, किस कमीशन ने रखा वो शेयर, ये तो बता दीजिए कोई, किसने किस डॉक्यूमेंट में है, कौन से डॉक्यूमेंट में है वो शेयर जी, उसका बेस जो है 7.19 जो टोटल पॉपुलेशन थी वो हिमाचल की तरफ, पॉपुलेशन के मामले में तो कोई पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं है कभी, किस डॉक्यूमेंट में वो है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने आपको बताया 27 सितंबर 2011 में इसको मेंशन किया गया था, मैंने आपको पहले बताया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रख रहा है, कोई जिक्र नहीं है, देखिए जयराम ठाकुर भी इसी एक्ट का हवाला देते हैं, क्योंकि अत्रे साहब जयराम ठाकुर की ओर से भी इसी एक्ट का हवाला दिया गया, राज्य वो जो जजमेंट है वो भाखड़ा मंगल को लेकर है, ज्योति जैसा ज्योति जब जो ये बिल पास हुआ था बेस ये था कि जो जेसी वर्मा कमेटी बनी थी, जेसी वर्मा कमेटी इसलिए बनी थी कि उसको बाउंडराइजेशन करना था हरियाणा का, और उस बेस पे वो कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये तर्क क्यों दिया जा रहा है 7.19, और फिर अगर 7.19 डैम जो है जहां बना हुआ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है उसके अंदर हिमाचल कहता है, हिमाचल डिमांड करता है, डिमांड करता है 7.19, चंडीगढ़ बीच में कहां से आ रहा है, चंडीगढ़ में दावा किस बात का, हालांकि अदालत का हवाला भी दिया जा सकता है 7.19 का, लेकिन चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की आप भी यहाँ बरते, ये तो जयराम जी ने भी इश्यू नहीं उठाया था, ज्योति जी मेरे साथी दोनों कांग्रेस प्रवक्ता भी इनलो प्रवक्ता भी उस समझौते की बात कर रहे हैं जहाँ के रेलवे लाइन पे एक लाइन खींच दी गई थी, आज जो हमारे माननीय ठाकुर कौन सा समझौता था जो लाइन खींची भाई, ये अभी कहाँ डॉक्यूमेंट है, कहाँ डॉक्यूमेंट हुआ वो, मैं ये मेरा केवल एक सवाल है कि डॉक्यूमेंट कहाँ हुआ वो बताइए, अब सुनने की हाँ बताइए डॉक्यूमेंट कहाँ हुआ, जो जयराम माननीय ठाकुर साहब ने जो एक मुद्दा छेड़ा है उन्होंने कोई जमीन या लाइन खींचने की बात नहीं कही है, उन्होंने मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है क्या शेयर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि वो कोई जमीन नहीं बंटना चाहते हैं उन्होंने अपना हक जताया, पॉलिटिकल बातें कर रहे कितना शेयर है बीबीएमबी की बात कर ली जाए वो अलग है, लेकिन पूरे ही चंडीगढ़ में हिस्सेदारी है वो अलग विषय हो जाएगा, फिर अलग जी वही मैं कह रही हूँ की आप जयराम जी की जो कल की स्टेटमेंट थी ना जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था आप उसको ध्यान से सुने, ऐसा कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुना हमने जी कि वो चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं या कुछ है, आप उनके शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें, एक बात थी जो हिमाचल प्रदेश अपने कहना चाहता, हो सकता है पिछली सरकार ने क्यों नहीं रखी, वो उनकी एक मर्जी थी, उससे पहले की सरकार ने भी रखी थी, क्या नहीं रखा मैम बताए तो सही, जो अपनी बात रखने का जो हरियाणा का शेयर है वो हरियाणा को मिलेगा, शेयर कौन सा किस प्रदेश का कितना शेयर चाहिए बताएं आप, देखिए इस तरह के मसले ऐसे एक चैनल पे बैठ के नहीं सुलझाए, आप शेयर तो बताएं कितना है, बड़ी बात यही है कि अभी तस्वीर साफ ही नहीं हो पाई है, जिस तरह से हरियाणा के पंजाब की अपनी नजर आया की बात ज्योति जी देखिए ये जो आज
सरवारिया साहब जो है वैसे तो चंडीगढ़ के प्रवक्ता है लेकिन बिहेव आज हिमाचल जैसा कर रहे हैं कि हिमाचल के प्रवक्ता है। लेकिन लेकिन मैं एक बात में कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे बार बार जब विवाद पैदा होता है जिस बात को वो ये है कि एक तो मैडम कह रही है कि 7.1 जो है वो हिमाचल प्रदेश ने डिमांड की थी बिजली के लिए कि जो नंगल डैम से बिजली बनती है उसमें हमारा हिस्सा चाहिए, उसमें चंडीगढ़ का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो है ये बार बार जिक्र आता है कि रेलवे लाइन के ऊपर लाइन खींच दी गई, वो कंदू खड़ा एक ऐसा गांव था जिसमें इन्होंने पंजाब के जो प्रशासन था उसको पंजाबी भाषी घोषित करवा दिया था और उसके वो बीच में कनेक्टिविटी नहीं बनती थी और नियम यह था कि जहां तक कनेक्टिविटी रहेगी हिंदी भाषी की वहां तक वो प्रदेश हरियाणा को मिलेंगे, 110 के आसपास गांव थे। तो इसीलिए वो चंडीगढ़ और इसका मामला बीच में अटक गया था। इसमें कभी भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कभी भी हिमाचल चंडीगढ़ के मामले में पार्टी नहीं रहा, यह केवल विवाद रहा है हरियाणा का और पंजाब का। और आज जो है केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रदेश बिल्कुल शांत हैं, किसी की कोई डिमांड नहीं है, न पंजाब की तरफ से डिमांड है न हरियाणा की तरफ से डिमांड है। तो इस तरह की बेतुकी बात करना वो भी चंडीगढ़ में आके एक नए मुद्दे को जन्म देना है कि एक नई बहस शुरू हो जाएगी, पंजाब में आंदोलन होंगे, हरियाणा में आंदोलन होंगे चंडीगढ़ के लिए और हिमाचल भी इस मामले में कूद पड़ेगा। तो ये इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आज चंडीगढ़ सबका है, कोई भी आए, किसने रोका है हिमाचल प्रदेश को यहाँ से आए वो अपना, अगर कोई हक मांगना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चिट्ठी लिखे, आज सरकार केंद्र सरकार में आपकी है नहीं की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने डिमांड तो की है, उसने उसका डिमांड है, उन्होंने अपनी बात रखी है। सवाल पूछने का क्या मतलब होता है, क्या है वो तो डिस्क्राइब करें, क्या चाहते हैं आप, चाहते कि आप बता दो कि आप मुख्यमंत्री की तरफ से क्या चाहते हैं। देखिए सिर्फ एक नहीं, मैं आपको तीनों बातें करती हूँ, सेंटर में और जितने भी स्टेट्स में पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसकी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल्स हैं, वो उसमें अपने अपने जिसको जो भी दावा है या जिसको भी हक बनता है मिल बैठ के इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी मसले होते हैं हर एक को अपनी बात कहने का हक है, हरियाणा को अपना मसला होगा क्या जो सुलझाया जाना है, क्या क्लियर है आपको जी? देखिए क्या आपने प्रक्रिया पूरी बता दी कि ऐसे सुलझाया जाएगा, लेकिन क्या सुलझाया जाएगा जी? जो भी उनकी जो कल तो बेसिकली उन्होंने अपनी सारी बात रखी भी नहीं है, और जो मैंने कहा कि धूमल जी ने भी पिछले यही बात रखी थी, और वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास हैं, वो जो भी बात रखना चाहते हैं, एक जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होती है और स्पेशली जो हमारे नॉर्दर्न और उसमें होम मिनिस्टर से हमारे जैसे राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो कोई भी बात होती है इस तरह से रखी जाती है, और हर एक राज्य का पूरे भारतवर्ष में अपनी बात रखने का हक है। पंजाब के मैडम हरियाणा के बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे है और हरियाणा को पूरा हक मिलेगा इसमें, सुन तो लीजिए, मैं आपको पूछ रही हूं, आपने क्यों नहीं सुना मेरी बात? तो नहीं है मेरी बात तो नहीं सुना, ये मसला ऑनलाइन ही हो रहा है, आप हक देना, मैं हक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीलम जी आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं और सवारिया साहब चंडीगढ़ के प्रवक्ता हैं, मैं तीनों तरह की बात, ये चंडीगढ़ के हैं प्रवक्ता, ये चंडीगढ़ के प्रवक्ता हो गया, मेरी बात हो गया, बता दो, सुन लो, चंडीगढ़ के आज प्रवक्ता आप 7.19 में कौन सा हिस्से की डिमांड करते हैं आज चंडीगढ़ के? मुझे भी जाए। और नीलम जी अब सुनो, हमें बात सुनो, हिमाचल के फेवर में कौन सा 7.19 देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ये तो समझाएं ज्योति जी, कोई समझ नहीं आ रहा डिबेट में, आप क्या चाहते हो? मैं बताऊंगा ना, आप सुनिए तो सही, दोनों नहीं समझ आ रहा कौन क्या चाहते हैं। कांग्रेस को तो समझाना बहुत मुश्किल है, जो बिजली का प्रोडक्शन है, जो पानी का जो चार्जेस जो वर्कआउट किए हैं 2200 करोड़ या 4200 करोड़, जो प्रवक्ता जी 7.19 का है वो क्या है? वो 7.9 जमीन नहीं है मेरे दोस्त, क्या है जी वो? जो इसका हिस्सा आपको चंडीगढ़ में हिस्सा देना है उनको 7.19, हम कौन होते देने वाले? बीजेपी के प्रवक्ता है, हम कोई, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं चंडीगढ़ बीजेपी की तरफ? और जो हिस्सा मिलेगा वो हमारे देने से नहीं होता, बात कर रहे हैं हम बीजेपी की बात कर रहे हैं इस वक्त, अरे आप तो बताएं, आप चंडीगढ़ के प्रवक्ता पे हैं, आप बीजेपी की सेंटर की बात कर रहे हैं या हरियाणा की कर रहे हैं या पंजाब की? नहीं, आप आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, किस बात का वही तो पूछ रहे हैं, आप जमीन बांटने की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ के बीजेपी के प्रवक्ता किस बात का जवाब दे रहे हैं? सुनेंगे तो क्लियर होगा ना, सुनिए प्लीज, सुनिए सनर साहब जल्दी बोलिए।
नहीं, मैं कहना ये जमीन बांटने की बात नहीं हो रही, आप जो है इस चीज को उल्टा घुमा के एक राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। राजनीति एक बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस है, उन्होंने देखो जहां तक हिमाचल का सवाल है ना, उनको तो बिना मांगे मिल गया जो कुछ मिलना था, कांगड़ा उन्हें मिल गया, शिमला मिल गया, दूसरे मिल गए। अब जो मांगते कौन है, जो कांगड़ा ऊना और जो शिमला के लोग हैं वो पंजाब से जाकर हिमाचल में चले गए। यहाँ मैं कांगड़ा के 9 MLA होते थे, उनको नवरत्न कहा जाता था, जब उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और से हिमाचल में चले गए, उस कहते हमारा तो यार चंडीगढ़ इतना बढ़िया था वो छूट रहा है। और जब हिमाचल बना और 1966 में हमीरपुर में रैली थी, डॉक्टर परमार आए थे, मैं 8वीं में पढ़ता था, तो कहने लगे यहाँ आया और मेरा इतना स्वागत हुआ, मुझे तो बहुत डरा रहे थे जो पंजाब से लोग आएंगे। समय नहीं, हालांकि ला रहे जी आखिरी 10 सेकंड लीजिए। ज्योति जी देखिए, हिमाचल की जो कल्चर रही है वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है प्लेन एरिया से, ये बहुत कम जो है, अगर 50 साल से भी आप वहां रह रहे हो तो उनको भी जो है बाहर का ही मानते हैं। तो आज वहां पर एजुकेशन आई और वहां के बच्चे यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, तो इन्हें जरूरत महसूस हुई है। जब भी मैं 1999 में था, 2001 में हमें भी जरूरत महसूस होती थी कि चंडीगढ़ प्रशासन में हमारा हक नहीं है, और चंडीगढ़ प्रशासन में उसके बाद में हरियाणा का 2001 में ही मिला है एक पद का, तो उसकी पार्टिसिपेशन की बात शायद मुख्यमंत्री जी ने कही थी, जो इन दोनों प्रवक्ताओं को शायद नहीं पता है कि हमारा भी हक यहां होना चाहिए। तो बड़ी बात में बहस की हिमाचल के सीएम की दावेदारी को लेकर, जो कि उनकी ओर से बयान दिया गया।